पास्टर रिक्टर के परिवार ने उपस्थित हैं और हम सब धन्यवादी हैं। और कल या परसों पास्टर जी उसको पूछिए कहाँ रखे, तो मैं सोचते 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 कहाँ रखेंगे कहाँ, अभी तक नहीं सोचा हूँ। आखिरी में बोले कि मेरा ही घर में है, आप रखिए। तो मैं बहुत खुश हूँ और आप लोग भी खुश हैं कि हम लोग इस संध्या के समय कुछ देर तक परमेश्वर का वचन, ज़्यादा देर नहीं करूँगा। सबसे पहले आप लोग का स्वागत है। और हम लोग हर सप्ताह जो साबुन स्कूल पार्क का जो अध्ययन करते हैं, और 4 या 5 मिनट तक मैं जो साबुन स्कूल पार्क से जो अगला पाठ होगा, ये 6वां पाठ है बाइबल जो हम लोग साबुन स्कूल में। और हम लोग पूरे 3 मास में बहुत ही विशेष जटिल विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। अरे महान व्यवहार जो इस समय शुरू नहीं हुई, शुरू कहाँ हुआ, स्वर्ग में शुरू हुई और ये जारी अभी है। और जैसे हम लोग साबुन स्कूल पाठ पढ़ते जा रहे हैं, और आने वाला हफ्ता का जो पाठ है वो है कि दो गवाह, गवाह हम सबों के लिए गवाह की बहुत ज़रूरत है। जब कभी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो बोलें कि गवाह कहाँ है। अब गवाह नहीं होने से मुश्किल है ना, अब हम लोग बंधन में पड़े रहेंगे, जेल में पड़े रहेंगे, कोई गवाह नहीं। लेकिन हम मसीहों के लिए यहाँ कहता है दो गवाह। और आप लोग साबुन स्कूल पार्क में देखिएगा, पिक्चर दिया हुआ है, एक तरफ इस तरह है और एक तरफ दूसरा, दो पिक्चर है और ये है दो गवाह। ये है जो इस तरफ से जो दाएं साइड में है, वो कहेंगे इधर से देखेंगे तो बायां साइड, वो है स्क्रोल। पहले ज़माना में ऐसे पुस्तक के बाइबल ऐसे नहीं छपी रहती थी, लेकिन वो स्क्रोल कहेंगे लंबे से रहे तो उसको मोड़ करके। और ये है जब हम पहला गवाह हम देखते हैं कि डेड सी स्क्रोल जहाँ की डेड सी या मरा सागर, और वहाँ के एक गुफा में इन्होंने क्या किया, बाइबल को जो स्क्रोल को वहाँ छिपा कर रखा हुआ था। और हम आएंगे कि जैसे हम पढ़ेंगे कि पाठ में और बीते समय के घटनाओं को देखेंगे, हजारों के संख्या में या लाखों के संख्या में बाइबल को जला दिया गया, लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल को सुरक्षित रखा गया। और आज हम देखते हैं कि बाइबल जो छपती है जो अन्य पुस्तक से बहुत अधिक, हर घर में देखेंगे, केवल मसीहों के घर में नहीं लेकिन अन्य दूसरे जैसे दूसरे धर्म को मानते हैं, जैसे कि होटल हुआ और उसके बाद मौत हुआ, जगह जगह पर वो लोग बाइबल रखते हैं, बाइबल पर सभी को विश्वास करते हैं, अपना अपना धर्म का जो ग्रंथ होता है वो जा जाते हैं, लेकिन साथ में क्योंकि बाइबल हमारे मसीह जीवन में बहुत ही विशेष है। तो आने वाला हफ्ता हम लोग पढ़ेंगे जो दो गवाह है, और इसमें जैसे बहुत से लोग बाइबल को अनुवाद करने में, उसको सुरक्षित रखने में रह के बहुत सी घटनाएं हम बीते समय में हम पाते हैं, पढ़ते हैं, और बहुत सी घटनाएं कि कैसे लोग बाइबल को कहाँ का छुपाते थे। और आज हम लोग एक पवित्र शास्त्र को हम लोग मानते हैं। आगे हम लोग आज का वचन लोग देखेंगे, और आज का जो शीर्षक मैं चुना हूँ और ये है कि हमारी नई जीवन की शुरुआत। हम सभी को जन्मे हैं, और जन्म लेकर हो सकता है कि कोई गरीब या धनी परिवार से आए हैं, तो हम लोग सभी को जन्मे हैं। लेकिन ये नई शुरुआत जो हम लोग, और ख़ास करके मैं इस आज का जो संध्या का जो वक्त आप हम लोग करेंगे उसको मैं लिया हूँ
आज का जो भोर का वचन से लिया हूँ। आज मैं 4 तारीख है और सबसे पहले हम देखेंगे गलाती चार और छः में जो यहाँ का आज का जो मुख्य वचन है गलाती चार उसका देखो ले तो पढ़ देंगे गलाती 4:4-5। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। अच्छा, लेपालक का पद मिले। यहाँ हम लोग इससे पहले एक घटना को देखते हैं कि एक उन्नतशील व्यवसायी महिला जब अपने घर से निकल करके वो जा रही थी तो रास्ते में एक लड़की को छोटी बच्ची को भीख मांगते हुए देखी और उस पर बहुत दया आई और उसको अपने घर ले गई और उसको अपने बेटी के समान वो पालने लगी। और इससे क्या होता है कि केवल एक ही नहीं लेकिन आगे हम पाएंगे उस महिला ने 70 से अधिक बच्चे बच्चियों को वो क्या की है कि ले करके वो एक दे पालक अडेप्टेड को की। और हम जानते हैं कि जब परिवार में कोई बच्चा रहता है तो सभी को शारीरिक और मानसिक की ज़रूरत होती है और ये लेडी जो शारीरिक और मानसिक का जितने भी ज़रूरत चीज़ को उन्होंने कोशिश की और हर एक को खुश रखना के लिए प्रयत्न की और वे लोग इतना खुश थे कि लगता था कि ये हमारा घर है, हमारा घर है। उसी प्रकार जब हम लोग पढ़ते हैं कि बाइबल पढ़े कि अभी आखिरी खंड में कि परमेश्वर पिता हम सबों के एक लेपालक एडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स। बाइबल कहती है कि जब हम अपने हृदय को पूरी तरह से परमेश्वर को दे देते हैं तो हम परमेश्वर जो हमारे पिता हैं और हम उसके बेटी बेटियां कहलाते हैं, हम ईश्वर के परिवार के एक सदस्य बन जाते हैं। आज जितने मसीह हम हैं हमारे ज़िंदगी में एक नए जीवन की शुरुआत हो सकता है। कुछ साल पहले किसी का शुरुआत 10 साल, 20 साल, 15 साल, 40 साल, या 50 साल, या 70 साल जितना भी हो हमारा जो जीवन का शुरुआत एक नई शुरुआत हुई है। और हम जितने मसीह कहलाते हैं हम क्या हैं उस परिवार के सदस्य हम बन गए हैं। आगे पढ़ेंगे रोमी 8:15। रोमी के पत्री 8:15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले बालकपन की आत्मा मिली है जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें क्या किया है ले पालक, हम क्या के अडेप्टेड किए गए हैं। हम संसार के परिवार, हमारा परिवार है सिर्फ संसार में, लेकिन हम क्या किए हैं हम सुरक्षित हैं। हम आत्मिक तौर से हम क्या के हैं हम सभी कोई लेपालक हुए हैं। आगे पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं 1 कुरिन्थियों 6:11।
उसका गारा पद। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। देखते हैं कि जब हम एक नए जीवन का शुरुआत करते हैं और मसीह के परिवार में हम आ जाते हैं, तो पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं कि हमारे जितने भी पाप गुनाह हो जाते हैं, यीशु ख्रीष्ट के बाहर जो से साफ हो जाते हैं। यहाँ पौलुस प्रेरित कहते हैं उद्धार सबके लिए है जो उन्हें अंगीकार करते हैं, जो उसे अंगीकार करते हैं। जैसे हमें प्रतिदिन हम लोग को प्रभु का अनुग्रह, उनका प्रेम को प्राप्त करने से हमारा जीवन मसीह के समान हो जाता है। याद रहते प्रतिदिन जब प्रभु के अनुग्रह और उसके प्रेम को हम अंगीकार करते हैं, उसे पाने की पूरी इच्छा और विश्वास हम करते हैं, तो हमारा जीवन कैसे होता है, मसीह के समान हो जाता है और पाप के बंधन से हम छुटकारा पाते हैं। पहला यूहन्ना 5 उसका 12 पद, पहला यूहन्ना 5:12 यहाँ बहुत सुंदर वचन दिया है। ये पहला यूहन्ना 5:12 में जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उनके पास जीवन नहीं है। आज हम एक नए जीवन की शुरुआत हम किए हैं और पूरा विश्वास है कि हमारे जीवन में कौन है, मसीह है। तो जैसे पहला यूहन्ना 5:12 में जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर के पुत्र नहीं है उनके पास जीवन नहीं है। और पहला यूहन्ना 1:9 पहला यूहन्ना 1:9 यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हम देखते हैं कि कहता है कि यदि हम अपने पापों को क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर हम सभी के पापों को क्षमा करेगा। हम लोग हम खाएंगे इसी से एक साथ में पाएंगे कि ख्रीष्ट के लहू के द्वारा हम अपराधों से छुटकारा पाएंगे या हम पाए हैं। क्या कहता है कि ख्रीष्ट के एफिसी 1:7 हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो हम यह देखते हैं कि जब यीशु ख्रीष्ट के परिवार में हम आ जाते हैं तो ये खुशखबरी है, वो खुशखबरी है कि हम यीशु मसीह के चलन उसके साथ चलते हैं और हमारे गुनाह जो भी करते हैं या अपराध या गुनाह करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं कि पूरे तरह से मान लेने के लिए हम इच्छुक हो जाते हैं। तो यहाँ आखिरी वचन हम लोग पढ़ेंगे रोमी 6:4 अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि उसी पिता के महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया
वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चले। सुंदर वचन की हम क्या करें, एक नए जीवन की सी चाल चले। आज हम एक मसीह हैं, विश्वासी भाई बहन, और हम उसके एक पालक हैं, हम उसके पुत्र पुत्री हैं। परमेश्वर पिता हमारे पिताजी हैं, और परिवार में हम सुरक्षित हैं। और हमको क्या कहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में दुख तकलीफ आएंगे, समस्या आएंगे, आते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि हम परमेश्वर के परिवार में है, उसके सदस्य हैं। परमेश्वर इस छोटे वचन पर आशीष दे।